कम से कम भाई ये 15 फुट ऊंची बर्फ है, 15 फुट आराम से, और दोनों साइड में बर्फ और बीच में से गाड़ी निकल रही है पूरे में। अबे स्लाइड ही स्लाइड हो रखी है। जय श्री राम भाइयों, जय बजरंगबली। आज अपना स्पीति वैली ट्रिप का डे टू है और आज फिलहाल में हम नारकंडा में हैं। नारकंडा में कल भी स्नोफॉल हुई थी और आज भी स्नोफॉल हुई है। अगर आपने वो वाला एक्सपीरियंस नहीं देखा ना पूरा चंडीगढ़ से नारकंडा आने तक का, तो वो वीडियो आप पहले जाके देख लेना। आज हम जाएंगे शायद नारकंडा से सांगला या नाको, इन दोनों जगह में से एक में जाएंगे जहां तक पहुंचेंगे वहां से, क्योंकि नारकंडा से जो अपना सांगला है ना 5-1 घंटे की ड्राइव है, 5-6 घंटे की, बाकी फिर रास्ता बताएगा कैसा है। और रात को बर्फ पड़ी थी, देखो दिखाता हूँ, ये पिघल गई अब थोड़ी थोड़ी, पूरे बर्फ है। और रूट पे देख कितनी ज्यादा है, रूट पे देख सिस्टम देख भाई कितनी ज्यादा है, बर्फ बर्फ पड़ी हुई है। वाइपर ना चलाना चाहिए, वाइपर ना, और छत पे भी बता इस पे देख इस पे कितनी ज्यादा पड़ रखी है, ये अभी उसके नीचे ना धूप नहीं पड़ी अभी ना। अगर स्टार्ट करते पकड़ी बंटी के कि मतलब कितने क्रैंक में होती है, और फिर अपने इसका दिखाएंगे महिंद्रा की थार का। एक बार फोन कर देते पहले, एक और बार हीटिंग दे देते हैं गाड़ी में, दूसरी हीटिंग गई, अब कर देते हैं स्टार्ट। बर्फ पड़ रखी थी वैसे, पर टेम्परेचर ना अप्रोक्स जा रखा था -1 या 2 होगा, बस 4 डिग्री देखो इसके अंदर में दिखा रहे हैं। पर भाई ये एक ही बारी में स्टार्ट होगी, कुछ जोर ही ना पड़ा, पर थोड़ी सी इंजन की आवाज जरूर बदली है। अब देखते हैं अपनी थार कैसा रिस्पॉन्स करती है। ये देखो भाई, अब देखते हैं भाई थार अपनी नारकंडा में जहाँ बर्फ पड़ी है स्टार्ट होती है या फिर नहीं होती है। घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, घंटा भी कुछ ना होया। 9:14 बज चुके हैं भाई, अब निकलते हैं अपने सीधा नाको की तरफ में, नाको नहीं सॉरी सांगला की तरफ में, और थोड़ी सी हिम्मत रही तो फिर देखेंगे कि आगे नाको की तरफ में निकला जाएगा या फिर नहीं निकला जाएगा, क्योंकि भाई पहली बार आ रहे हैं ना जिंदगी में, तो रोड का इतना पता नहीं है कैसे रोड है, कभी हालत ही टाइट हो जाए, इस वजह से हमने रुकते रुकाते आराम से आएंगे। ऐसा ऐसा होता है ना कई बार, तो जो हम कंटेंट बनाते हैं ना में घुस जाता है। इसकी गाड़ी में क्या हुआ, नई गाड़ी है 2000 किलोमीटर चली है। अब देखो जो DRF है, DPF है, DRF जो चीज है ना DPF, वो इसके अंदर में क्लोम में दिखा दिया है भाई। महिंद्रा की जैसे स्कॉर्पियन भी है उसके अंदर में भी कई बार ये दिक्कत आ जाती है कि मतलब 200-300 किलोमीटर चलने के बाद ही आ जाती है, पर इसमें यार अब 2000 किलोमीटर के बाद आ गई। नारकंडा में आ रखे हैं, फोन पे बात की है तो वो कह रहे कि भाई सर्विस सेंटर पे ही इस गाड़ी के ले जाना पड़ेगा। कह रही है तो मतलब उल्टी वाली चीज हो गई, और अपनी स्कॉर्पियन तो भाई भगवान दया से टचूड़ अभी तक तो ठीक है। मेरे को DRF DPF वाला क्लोक रोल ना हमेशा डर लगा रहता है कि भगवान ने ऐसा कभी आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बिना सर्विस सेंटर ना खुलता ही नहीं, और सर्विस सेंटर यहाँ मिले ना मिले। हाईवे पे हुई भी नहीं है, पहाड़ पे हूँ भाई मैं, मैं कहा पहाड़ पे हूँ पर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा थर्ड गियर में चलाना पड़ेगा। तीसरे पे ही चलाऊंगा यार, तीसरे पे ही चलाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यार ना IRPM पे चलाएंगे। और खड़ी में पूछ ले, खड़ी में कर देते एक्सेलरेशन। तो भाई भाई ने कही है अभी सर्विस सेंटर में बात की है, उसने कही है कि तीसरे गियर में चलाओ अगर ऐसा मतलब कहीं नहीं हो पा रहा है तो। नारकंडा में आके अपना डीजल भरवा रहे हैं, 497 किलोमीटर यहाँ पे चली है, और जो डीजल का रेट है ना बिल्कुल सेम ही है, अभी डलवाना बेटर रहेगा क्योंकि आगे जाके यार क्या पता भाई मिले ना मिले। गाड़ी के अंदर में डीजल आया है 33.80 लीटर और 497 गाड़ी अपनी चली है, तो इस हिसाब से गाड़ी ने माइलेज दी है 14.7 की, तो मेरे हिसाब में तो ठीक ही है भाई। थार में 135 रुपए महंगा चला है, बदरा कितनी चली है यार, 453 कितनी चली है यार, 453 किलोमीटर अपनी 497 33.8 14.7 की मैंने दी है भाई, फिर मजा भी ले रहा है इतना 4x4 का। अब नारकंडा से नीचे की तरफ में जाने लग रहे हैं, करीबन 15-20 किलोमीटर हम चल लिए, और सारा रोड ना मतलब वही है घुमाव तुमाव वाला ही है, यूं सीधा सा रोड तो एक बार भी नहीं आया है। अब जो जैसे थार के अंदर में जो दिक्कत आई थी ना उसमें भाई, जैसे उसने बोला गया था कि थर्ड गियर में चलाओ थोड़ा सा हाई रेव करके, थर्ड गियर में चलाई ना हाई रेव करके, तो फिर वो रीजन का आ गया उसके अंदर में, और जैसे ही ओके का प्रेस किया बटन तो 15 मिनट लगी उसको खुद ही अपने आप गाड़ी ने हाई RPM उठा उठू के वो जो क्लॉक हो रखा था उसको कर दिया खत्म।
मैं बनवा रहा हूँ। पता है जैसे नारकंडा से आगे ना एक लोन पड़ता है, लोन क्रॉस करने के बाद में क्या है मतलब इतने घुमाव तुमाव वाले रोड नहीं रह जाते, फिर थोड़े से मतलब इतने ज्यादा घुमाव तुमाव नहीं रहते, रहते तो है ही पहाड़ पे चल ही रहे हैं पर इतने ज्यादा नहीं रहते हैं। नारकंडा से ज्यादा ना जो ये रामपुर है ये ज्यादा डेवलप हो रखा है, यहाँ पे भीड़ भड़का सारी दुकानें उकाने यहाँ रामपुर में ज्यादा है। जैसे ही हमने रामपुर को क्रॉस किया ना उसके बाद में जो पहाड़ों के रुख है थोड़े से बदल से गए भाई, पूरे सूखे सूखे से आने अब स्टार्ट से हो गए हैं। और जैसे ट्रैफिक भी जो था ना गाड़ी वाड़ियों का थोड़ी भीड़ भाड़ सी थी गाड़ी गुड़ियों की वो सारी सी खत्म हो गई। अभी आके देखते हैं भाई कैसा है, तो पूरा ऑफ रोड का सी पैच चलने लग रहा है 500-700 मीटर से, और मेरे ख्याल से वहाँ आगे देखो जो बस बस जा रही है ना वहाँ पे भी पूरा इस तरीके का ऑफ रोड का पैच ही पैच है। हाँ ये पूरे में लैंडस्लाइड हुई है, बारिश वारिश आई थी ना तभी से। अब बीच में रुक के भाई अपना थोड़ा सा कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, अब इन तरफ में बर्फ तो दिखने लगी है। देखो ये 6 लीटर दूध आगे पिया जाता है नहीं पिया जाता, मेरे को चूख लगा ना तो काट देंगे, कर देंगे काम, जम जाएगा ये ना जम यार। बैठू गट्टी मार रहा नु मार मार दिखा वे वे के इसमें फिर फेक समझू, इनमें प्रिजर्वेटिव होता होगा ना, जाके पता चलेगा ना अभी। मैं तो कुल्फी जमान खातर सामान लाया हूँ। अभी हम लोग ना किन्नौर में हैं, और किन्नौर से जैसे आप आगे की तरफ में जाते हो तो एक एंट्री करते हैं, कोई फीस वगैरह यहाँ पे नहीं लेते हैं, बस वही ना मता पता कहाँ से आ रहे हो कहाँ से नहीं आ रहे हो वही चीज़ है। और ये वही है जो किन्नौर कैलाश आपने सुना है ना, पर वो किन्नौर कैलाश ना यहाँ से आगे जाके घनी आगे जाके यूँ नहीं कि यहीं से वो चढ़ाई वढ़ाई चालू हो जाती, वो वाला सीन नहीं है। तो करवा दिया वैसे गाड़ियों की एंट्री। अब इन्होंने एंट्री करते वक्त भी ना यही चीज़ पूछी कि भाई कितने जने हो गाड़ी में, मगर 2 जने। बोलो 2 जने बस। और भाई ये चालू हो चुकी है अभी, क्या क्या बोलते हैं इसको, रेनफॉल भी अब स्नोफॉल ही दिखती है। अभी ना अपने प्लान में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, पहले हम जाने वाले थे सांगला, और क्योंकि अब सांगला में भी पता किया ना वहाँ पे भाई आया था अवलॉन्च, तो एवलॉन्च की वजह से भाई ये हो सकता है कि वहाँ फंस जाए, पहले आया था तो अब थोड़ा रिस्की सा है यार, अरे क्यों ऐसा रिस्क लेना। तो अब हम जा रहे हैं, ओ वही आ गई, अब ये तो वही जगह आ गई, एंट्री पॉइंट आ गया। तो भाई अब हम रिस्क नहीं ले रहे, यहाँ पर रोक ले बंटी, साइड में लगा ले। अपने प्लान के अंदर में थोड़ा सा चेंजमेंट कर लिया, हम पहले जाने वाले थे सांगला, अब सांगला में बता रहे हैं कि भाई वो एवलॉन्च वगैरह आए थे तो वहाँ पे फंस सकते हो, तो इस वजह से हमने अब प्लान में कर लिया अपना कल्पा में जाएंगे। कल्पा और सांगला में 40-45 किलोमीटर का डिफरेंस है, सांगला से भी काजा जा सकते हो और कल्पा से भी काजा जा सकते हो, थोड़ा सा मतलब वो है कई देर में सीखा है नहीं तो इस वजह से आ रहा है। बाकी आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे सांगला पांगला टांगला पता नहीं क्या क्या नाम है। और देखो ये वही एंट्री सी है भाई, यहाँ से देखो इधर से होके आते हैं, पहाड़ काट के पूरा तगड़ा सा बना रखा है। एक दो तीन जो आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे होती है तगड़ी वाली लैंडस्लाइड, ये निगुलसारी की लैंडस्लाइड, आगे भी पुलिस वाले खड़े हैं पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, मतलब एक बार में एक ही गाड़ी को पास होने देते हैं क्योंकि यहाँ पे पत्थर यू है रेगुलरली पड़े ही रहते हैं। अगर आप बारिश में आओगे ना तो यहाँ पे 7-7-8-8 घंटे भी आप लोग को जाम में फंसना पड़ सकता है, तो बारिश में यार ऐसी जगह पे आना अवॉइड करो। देखो जैसे अब इधर में भी यहाँ पुलिस वाला खड़ा है उधर में भी खड़ा है, तो थोड़ा सा सीन है ही भाई यहाँ पे। और यहाँ पे ना इतना तगड़ा ऑफ रोडिंग का हो रखा है ना, अगर मान लो कोई लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी लिया है ना सेडान वेडान, तो उनका तो यूं लगा लो वो नीचे से टिकेगी गाड़ी बिल्कुल यूं दम 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 इस तरीके से होकर चलने लग रही है यहाँ पे। ये देखो आगे भी, अब देखो भाई यहाँ आगे देखो पत्थर ही पत्थर पड़ने लग रहे हैं भाई, निकाल यहाँ से तो यहाँ का तो कुछ अलग ही सीन है। गाजा की तरफ में जैसे आप जाते हो ना तो यहाँ के पहाड़ ऐसे हैं भाई, किन्नौर के बाद में एक तो सारा टूटा फूटा रास्ता है, ऊपर से गाड़ियाँ क्या है देखो पहाड़ के साइड साइड में चलती है, तो एक नंबर की सी फील आती है भाई यहाँ पे, गजब पहाड़ पूरे अपने ऊपर की तरफ में आ रखे हैं, तो देखो यार कैसे काट रखे भाई। देखो यहाँ पे है नथप्पा जो दिखाई देना आपको लैंड वैंड स्लाइड, उससे आगे की तरफ में आके भाई यहाँ तक में आए। अब इससे आगे भाई हमें लग रहा है अपनी दोनों गाड़ी यहाँ खड़ी करके कि अपनी ट्रिप ना यहीं पे ही एंड हो गई है, क्योंकि भाई ये देखो पीछे भाई कुछ भी नहीं मिला हमें, पुलिस वाले मिले नहीं, कोई वो नहीं बताए नहीं उन्होंने कि आगे जा सकते हैं, रोड डाइवर्ट है भाई कुछ भी तो नहीं है यार, और साइड सूड में से तो कहीं भी कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा भाई, रास्ता तो है गाड़ियाँ जा रही थी कुछ साइड से,
वहां से जाने लग रही है। तो भाई क्या पता दूसरी तरफ से रास्ता निकाल दिया हो, पर उन्होंने कुछ हमें गाइडेंस नहीं दी पीछे। तू किताब पढ़ता रहो पीछे अपनी है चिढ़ता है भाई चिढ़ता है इस वजह से। अब देखो पूरे में यहाँ पे स्लाइड ही स्लाइड हो रखी है भाई। मेरे को तो बस खत्म सही लग रहा है, पूरा ही रोड ब्लॉक है आगे की तरफ में, पूरे में स्लाइड स्लाइड आ गई तो रोड ब्लॉक। वो स्लाइड दिखाई दी ना आपको, देखो वहाँ ऊपर वाले रास्ते से हम आ रहे थे और बहुत बुरी तरीके से स्लाइड है यार यहाँ पे। तो यहाँ से तो यूँ लगा लो बिल्कुल जाना ही नामुमकिन था। और नीचे वाला भी जो रास्ता है ना वो भी कोई ऐसा प्रीमियम नहीं है, पूरा टूटा फूटा ऊपर नीचे इस तरीके से ओके गाड़ियाँ चल रही है। और जहाँ बस आ जाती है ना फिर तो बस यूँ इस साइड में दबाओ वो ही निकलेगी। मेरे को तो मतलब पीछे तो इतना भयंकर वाला था ना रास्ता कि गाड़ी और बस एक साथ में निकल ही नहीं सकती थी, दो गाड़ियां। डैम का रास्ता क्रॉस करने के बाद ना भाई अब जो रास्ता आ रहा है बिल्कुल सीधा सा है, साइड में नदी चलने लग रही है, बड़ा मजा आ रहा है भाई इसके ऊपर। अब अपना अब जो मजा आ रहा है ना भाई मतलब एक नंबर का आ रहा है। अब बीच में रुक के भाई सोच रहे हैं कि थोड़ी सी मैगी वैगी बना लेते हैं, मैगी नहीं सॉरी सूप वगैरह बना लेते हैं। और पियो तो अपनी यहाँ पे खड़ी कर दी है भाई क्योंकि इसके ऊपर में है सनरूफ और प्रेशर है कुछ ज्यादा तेज, तो सनरूफ में से पानी आ सकता है। पर थार में देखते हैं भाई अब थार का क्या सीन। थार में देखो हार्ड टॉप है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तो अब थार को नुहा देते हैं। जानते जानते चले अंदर, बड़ा ही बड़ा डोरी होगी है। चल 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 अरे आगे गाड़ी बीच में ना ये कंचम डैम करके कुछ आता है, इससे जो है दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं। अगर आप यहाँ से सांगला जाने चाहते हो तो वही 18 किलोमीटर रहेगा और जो कल्पा है वो यहाँ से 27 किलोमीटर रहता है। पर अगर आपको काजा जाना है ना तो मेरा मानना तो यही है अगर आप कल्पा रुको तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो रास्ते में आता है। तगड़ा व्यू आ रहा है ना भाई यहाँ पे, दो बड़े बड़े पहाड़ बिल्कुल सूखे सूखे अच्छे पहने पहने और इनके बीच में से गाड़ी चलने लग रही है। जो ये रोड है ना है तो बिल्कुल बढ़िया, जो लास्ट का 25 किलोमीटर का पैच है, पर इतने तगड़े तगड़े से पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, एक नंबर के भाई, एक नंबर के अलग ही लेवल के पहाड़ हैं, अलग ही लेवल के। मतलब जो ब्यूटी है ना भाई लद्दाख की अलग है, यहाँ की अलग है। अगर भाई आप आ रहे हो ना काजक साइड जाना चाह रहे हो तो मेरा मानना तो ये, देखो आपको कल्पा जाना है तो ही कल्पा जाओ, अगर आपको यूं बीच में स्टे चाहिए तो कल्पा से 15 किलोमीटर पहले नहीं ऊपर की तरफ में रोड चढ़ता है, इस ऊपर वाले रोड पे ना चढ़ के आप काजा की तरफ में सीधे चढ़ जाएंगे। देखो दो रोड फटते हैं यूं, एक तो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और नीचे तरफ जाता है, तो आप उस नीचे वाले रोड पे चले जाना, उससे क्या है आप अपने काजा वाले रोड पे चढ़े रहोगे, क्यों बेफालतू ऊपर कल्पा जाके एक घंटा वेस्ट करना, इससे अच्छे एक घंटा आगे जाके वहाँ पे भी आप लोग को होम स्टे मिल जाएंगे, वहीं पे होम स्टे में रहोगे। वैसे ना भाई जो अपने ये काजा वाले रोड है ना ये बड़े खतरनाक से रोड है क्योंकि जैसे रोड चलने लग रहे हैं ऊपर की तरफ में पहाड़ आ रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे से निकलने लग रही है गाड़ी और साइड में बिल्कुल खड़ी खाई है, मतलब बचने को चांस ही नहीं है, एक बार लगी तो सीधा नीचे है। ऐसे नहीं है कि मनाली श्रीनगर में जाते हैं तो एकदम खड़ी सी खाई नहीं रहती वहाँ पे, यहाँ पे तभी से ही खड़ी सी खाई सी आने लग रही है भाई। अब जैसे भाई काजा की तरफ में बढ़ने लग रहे हैं ना तो ये देखो साइडों में बर्फ, देखो कम से कम भाई ये 15 फुट ऊंची बर्फ है, 15 फुट आराम से, और दोनों साइड में बर्फ और बीच में से गाड़ी निकल रही है। ओहो हो बस क्या तगड़ा ही नजारा है भाई साहब, एक नंबर का यार सागर, पूरी बर्फ है यार, घिसड़ा जाए तो दिक्कत ना आए। काजा वाले रास्ते में ना रात को तो भाई कुछ भी नहीं दिखता, दिन में तो यूं है एक आधी गाड़ी थोड़ी बहुत दिख जाए तो दिख जाए, वरना तो वो दिन में भी नहीं दिखती, और रात को तो कई देर होली चलते चलते कुछ दिख ही नहीं रहा है। सपिल्लो पहुंच गए करीबन 7:30 बजे और आगे जाना है हमें। सपिल्लो अच्छा वो क्या होता है
टूरिस्ट का यहाँ भी टैब ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल खाली पड़ा है और लाइट भी अभी आई है। हम ऐसी जगह जाएगा आगे बता रहे काजा में भी लाइट नहीं है, वो तो फिर आगे जाके अपने साथ तो ऐसे बता रहे जैसे वो कोई भाई गया था बर्फ का बी भी नहीं पीती में, तो हम उससे हम जाते जब कुछ नहीं होता टूरिस्ट को टह भी ना रहे, बर्फ को बह भी ना मिले, लाइट को ले भी ना मिले, कुछ भी ना मिले वहाँ। चलो भाई आज की वीडियो का यही समाप्त करते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। कल से जो है अपना जो ट्रिप रहेगी ना कल व कल से आगे वाली, उसमें जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम और चीजें आपको देखने को मिलेगी, इससे पहले तो मतलब ठीक था भाई, बुरा मत मानना इसने कल भी यही बात बोली थी। बाकी चलो ठीक है, जय श्री राम।